गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों को तो पता होगा हम हाय हेलो नहीं करते हैं, और एक्चुअली गुड मॉर्निंग बोल दिया आप लोग को। और अभी हम बालकनी में हॉस्टल के, ये हमारा देखिए इधर व्यू है, पाई टंकी बोरिंग रोड है। आप अगर आप लोग को यहाँ पे हॉस्टल चाहिए, देवासिस बाज हॉस्टल है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, उज्ज्वल भाई हैं जो कि अभी कॉलेज जाएंगे, अभी लॉकडाउन में भी कॉलेज जाते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं नाइटी घाट। तो आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं तो नाइटी घाट चले जाइए। अभी तो हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं नहीं कि हम अभी आप लोग को एडिट करके वीडियो डाल सकें, लेकिन कुछ दिन में हमारा वीडियो एडिटिंग भी होगा और अच्छे से एडिट करके ब्लॉग डालेंगे। और अभी फ़िलहाल फ़ोन से ब्लॉग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली हमारे पास DSLR है लेकिन उससे ब्लॉग नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग किसी को पता है DSLR से ब्लॉग करने का तो आप हमको बता सकते हैं, आपके ये YouTube पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, Instagram पे आप मैसेज करके हमको बता दीजिए Nikon D5600 से कैसे ब्लॉग बनता है, तो आप लोग को भी ब्लॉग बढ़िया से मिलेगा। और एक्चुअली हम दूसरे ब्लॉग नहीं है कि हम बहुत फेक देते हैं, लेकिन हम ऐसे ब्लॉग है कि हम आप लोग से खुद हेल्प मांग ले रहे हैं कि ऐसे हमारी प्रॉब्लम है ब्लॉग बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ जितना भी हेल्प कर सकते हैं आप लोग हेल्प कीजिए। और अभी आप लोग को दिखाएंगे, नीचे जा रहे हैं मैं इसमें खाना खाने, फिर वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं क्या खाना कैसा है, टेस्ट वेस्ट बताते हैं। ओके, अभी उज्ज्वल भाई उठ गए हैं, करीब 10:30 हो रहा है अभी और उठ गए, अभी बोल रहे हैं नाश्ता चलो खा लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं ठीक है देखते हैं, अभी बहुत भूख लगी है तो अभी देखते हैं हम लोग, नीचे पूड़ी वगैरह बना होगा, लेकिन यहाँ पे पूड़ी भाई 12 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ के लोग 15 खाते हैं, 15 खा लेते हैं चोरी छुप के, खैनी वगैरह दे देते हैं कुक को, पटा के 15 पूड़ी दबा लेते हैं भैया जी। तो हम भाई बोल देना हम उलसार दिन नहीं है, खैनी उनी कहा दे भाई, जो खैनी दे देंगे उससे बाहर जाके हम भी पूड़ी खा लेंगे 4 पूड़ी होटल से, तो इसीलिए मैं किसी को देता नहीं हूँ। तो उज्ज्वल भैया दिए हैं, अभी देखते हैं कितने पूड़ी लेते हैं, नीचे जाके आप लोग को दिखाते हैं, फिर आप लोग भी बोलिएगा कमेंट में। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ओके, अभी अर्जेंटली काम आ गया था, एक्चुअली हम आप लोग को बोले थे कि मतलब जा रहे हैं नीचे खाना खाने, तो अभी हमको कॉल आ गया था, तो मेरा भांजा का एडमिशन करवाना था संत कैरन में, तो इसीलिए निकलना पड़ा, तो नाश्ता नहीं कर पाए, तो आगे आपको दिखा देंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कि कहाँ पे हम लोग नाश्ता वास्ता करते हैं, तो फिर आपको दिखा देंगे, क्योंकि भाई पटना में ठंड कम हो गई है और पटना में मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है, तो अभी निकलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं संत कैरन जाना है। अभी यहाँ पे पेट्रोल ले रहे हैं बोरिंग में, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं संत कैरन स्टोर। अभी गाइज मैं हूँ यहाँ पे जहाँ पे अंडर पास बना है नया, वहीं पे हूँ, पटना का नया अंडर पास बना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे अंडर पास बना है, और ये आपका दिल्ली रोड जाने टाइम जू से पहले यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, आपको दिखाते हैं और आप देखिएगा। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए। ये देखिए यही अंडर पास है पटना का बना हुआ है जू के पहले, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये अंडर पास। आप लोग को अच्छा लगा होगा, चलिए अब आगे दिखाते हैं आप लोग को कुछ यहाँ पे अगर हमको कुछ दिखता है तो। बेली रोड के पास ये एक मंदिर है हनुमान मंदिर, आप लोग को पता होगा, और इसके आगे जू है, हमको जू के पास जाएंगे आप लोग को जू दिखाएंगे, और इधर देखिए मंदिर है, इसके साइड से इधर पाइन टंकी की साइड भी जा सकते हैं आप, बोरिंग साइड भी जा सकते हैं इधर से, और इधर आपका जहाँ पे ब्रिज का पीछे वहाँ पे आप लोग को दिखाए थे और फिर आपको आगे जा करके दिखा रहे हैं। पटना जू आपका आ गया है, कोविड के कारण इधर पटना जू ऑफ है, और इसके बाद यहाँ पे पटना जू अब देखिए कब खुलता है, यहाँ पे पटना में सारा पार्क वार्क म्यूजियम मॉल वगैरह सारा बंद है,
तो आपको हम बताएंगे कब ओपन होगा, फिर आपको हम दिखाते हैं। पटना जू के आगे आपको ये पटना गोल्फ क्लब दिखेगा, तो अगर आप गोल्फ एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पटना का बेस्ट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। और आगे बेली रोड ब्रिज है, तो बेली रोड ब्रिज क्रॉस करके आप लोग को दिखाएंगे, वो संत कैरन बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, फिर आप लोग को दिखाते हैं। संत कैरन पटना का सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे संत माइकल आता है, तो आपको दिखाएंगे। और इधर है आपका पटेल भवन, जहाँ पे सारे अधिकारी लोग बैठते हैं, ITS वगैरह, तो आप लोग को दिख रहा होगा। और इधर आप लोग बोरिंग रोड जा सकते हैं हाईकोर्ट तरफ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। हम लोग बेली रोड ब्रिज पे है, और इधर बहुत ही कॉस्टली होटल है, अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप यहाँ आके डिनर वगैरह कर सकते हैं। और इधर देखिए ये बेली रोड ब्रिज है, और इसको क्रॉस करेंगे अभी, आगे दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे बहुत ही स्पीड कार बाइक आते हैं, तो यहाँ पे रुककर ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको दिखाते हैं। अगर आवाज़ में आप लोग को दिक्कत आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी, आगे से मैं बाइक लेने वाला हूँ, अभी हमारे पास बाइक नहीं है अवेलेबल। ओके, अभी हम लोग संत कैरन के पास आ गए हैं, लेकिन ये मेन गेट है, और अभी तो स्कूल बंद है, तो कोविड के कारण ये गेट बंद है, तो ऑफिशियल वर्क के लिए पीछे से एक गेट है, तो वहीं से हमको जाना पड़ेगा। और यहाँ पता चला कि यहाँ पे अभी गेट बंद है, तो यहाँ से एंट्री नहीं होगा, तो आगे जाके आपको दिखाते हैं। हम लोग संत कैरन के पास आ गए, जहाँ पे इसका एंट्री गेट है ऑफिशियल वर्क के लिए, आप पीछे देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, तो फिर आपको अंदर जाके दिखाते हैं कैसा है, कैसा है? अगर अंदर फ़ोन अलाउड होगा तो हम आपको दिखाएंगे।